इनकी आत्मा से कह दो वोट गिराएंगे, मैं मान जाऊंगा जी। हाँ इनको पूछ ले, इनको पानी को लोटा ठुआ दे, सारा पानी का लोटा ठुआ दे, झूठ बोले जी बिल्कुल। ताऊ जी अब की बार गांव में किसने जितवा के भेजोगे, बीजेपी ने कांग्रेस ने? बीजेपी ने जिता के भेजा, एन तकड़ा खूब काम कर रखे, 10 साल होगी काम करना का दागत काम करे। जो मौजूदा विधायक हैं रणबीर गंगवा, गांव में कुछ काम करवाया है उन्होंने? एक तो रोड बनाया है कृष्ण जी की ढाणी का, और अपने मांगे राम जी की ढाणी का, और मतलब गांव के मंदिर से लेके डाया के रोड हरी सिंह के नोरा तक का गली बनवाई है। बजट बुजट जो दिया है वो गाँव में लगे भी है कि सिर्फ कागजा में है कि भाई गाँव के खेतों में रस्ते पक्के करवाए हैं, खेल का मैदान बनवाया है, और गांव में गलियां बनवाई हैं, हरिजन चौपाल की मरम्मत करवाई है, बस स्टैंड पे काम करवाया है। दोबारा अगर पार्टी मैदान में उतारे है तो रणबीर गंगवा जी का कुछ स्कोप आपने नड़वाल कैसे दिखा? इनका लोगों से मिलनसार है, जो व्यवहार है बहुत ही बढ़िया है, और पूरे हल्के में अपना ये लोगों के साथ में पहचान बनाए हुए है, और लोगों का मन है भाई हमारा विधायक ही दोबारा बन के आए। आपके हिसाब से कौन टक्कर दे सकता है भाई? कई हैं, संपत सिंह है, अनिल मान है, ये कई हैं, कौन टक्कर किसकी लगा? मैदान में दीप के कांग्रेस तारी उसी को देखेंगे हम दो ही। क्या हाल है सियासी गांव के अंदर? अब की बार जो है गांव किसको दोबारा जितवाने वाला है, किसको दोबारा विधायक देखना चाहता है? सबको देखना चाहूँगा जी। कारण काम किए है, खुश है पब्लिक, पूरा हल्का खुश है, बीजेपी से खुश है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बैक न्यूज। भाई इस वक्त भोजराज गांव में मौजूद हूं, नलवा हल्के का गांव है, और गांव के जो लोग हैं वो भी मेरे साथ में यहां पर मौजूद हैं। तो चलिए इसे पूछ लेते हैं कि भाई फिलहाल जो है गांव का माहौल है कैसा है, क्योंकि भाई सियासत का टाइम चल रहा है, कुछ ही दिनों में जो है हरियाणा के अंदर चुनाव है, और ऐसे में नजरें सबकी टिकी हुई हैं हरियाणा के लोगों पर कि हरियाणा के लोग अब की बार अपने जो विधायक रहे हैं उनसे खुश हैं या नहीं, अब की बार सरकार किसकी बनाना चाहते हैं, काम कितना हुआ या नहीं हुआ, तमाम सवाल हैं वो सब पूछेंगे। सबसे पहले शुरुआत जो है मैं आपसे करती हूँ, स्वागत है सिटी बिग न्यूज पर, क्या हाल है फिलहाल गाँव? हाल बढ़िया है जी, पीछे वाले जो एमपी के चुनाव हुए थे उससे अब विधानसभा चुनाव में अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छा। गवर्नमेंट के हक में आएंगे, मतलब सरकार के हक में आएंगे, मतलब बीजेपी के हक, बीजेपी के हक में आएंगे मतलब, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी जो नए सीएम साहब बने हैं उन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, और वो इसके लिए मतलब उत्साहित भी है भाई मैं लोगों का काम करूँ, और उन्होंने जो मनोहर लाल जी के काम किए हुए थे उनमें भी काफी तब्दीलियां करी है मतलब। अच्छा, तो इससे हमारे गांव में भी पब्लिक में भी अच्छा रुझान है। जो मौजूदा विधायक हैं रणबीर गंगवा जी, गांव में कुछ काम करवाया है उन्होंने? हाँ करवाया है, काफी काम। क्या करवाया है? एक गांव के एक तो रोड बनाया है कृष्ण जी की ढाणी का, और अपने मांगे राम जी की ढाणी का, और मतलब गाँव के मंदिर से लेके डाया के रोड हरी सिंह के नोरा तक का गली बनवाई है, और अच्छा, ये छोटी छोटी गली गलियां, हाँ, बताओ, और एससीबीसी की धर्म चौपालें बनवाई हैं। अच्छा। और आगे एक जो लिंक रोड है वो लिंक रोड बनवाया है, किलोमीटर का तकरीबन 20 फुट चौड़ा है, और काफी गाँव के लिए गांव में बजट आया हुआ है, और आगे गांव की गांव में काम की प्रोग्रेस होने लग रही है, गांव में प्रोग्रेस होने लग रही है। हाँ जी। तो आपने लगा है कि भाई जो जो पटरी पे गांव जो है वो लंबे टाइम बाद आया है, या विधायक साहब पिछले कुछ टाइम में एक्टिव रहे हैं गांव में? एक्टिव रहे हैं गांव में, चल रहे हैं। आए हैं कभी मिलन खातर आप? आते जी। बजट बुजट जो दिया है वो गाँव में लगे भी है कि सिर्फ कागजा में है कि भाई लग रहा है जी गाँव? हाँ जी, गाँव के खेतों में रस्ते पक्के करवाए हैं, खेल का मैदान बनवाया है, और गांव में गलियां बनवाई हैं, हरिजन चौपाल की मरम्मत करवाई है, बस स्टैंड पे काम करवाया है, काम करवाए। तो आपकी बार मतलब दोबारा अगर पार्टी मैदान में उतारे है तो रणबीर गंगवा जी का कुछ स्कोप आपने नड़वाल कैसे दिखा है? दिखा है जी, लगा है कि दोबारा विधायक बन? हाँ, पक्का बनेंगे। अगर बात करें जब 10 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी हो जाए 10 साल बाद, किसी भी कोई भी नेता हो उसका एक विरोध खड़ा हो जाए हल्का में, रणबीर गंगवा की वो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर नजर नहीं आता? नहीं, इनका लोगों से मिलनसार है, जो व्यवहार है बहुत ही बढ़िया है, और पूरे हल्के में अपना ये लोगों के साथ में पहचान बनाए हुए हैं, और लोगों का मन है भाई हमारा विधायक ही दोबारा बन के आए।
तो टक्कर कौन दे सकता है रणबीर को? टक्कर तो देखो अभी एक कांग्रेस का कोई कैंडिडेट आ सकता है, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट आपके हिसाब से कौन टक्कर दे सकता है भाई? कई हैं, संपत सिंह है, अनिल मान है, ये कई हैं, कौन टक्कर किसकी लगा आपके बाद कौन दे सकता है? हाँ जी, टिकट मिलेगी तब पता लगेगा ना। मैदान में किसने देखना चाहो टक्कर? मैदान में दीप के कांग्रेस तारी उसी को देखेंगे हम दो ही। मैदान लगा है टक्कर हो गए रणबीर गंगवा? कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा रणबीर गंगवा जी। ऐसा क्यों? क्योंकि काम कर रहे हैं, मिलनसार मिलनसार व्यक्ति है, सबसे आराम से मिलते हैं, सब अच्छा व्यवहार ठीक है। क्या हाल है सियासी गांव के अंदर? अब की बार जो है गांव किसको दोबारा जितवाने वाला है, किसको दोबारा विधायक देखना चाहता है? गंगवा साहब को देखना चाहता हूं जी। कारण? कारण काम किए हैं, खुश है पब्लिक, पूरा हल्का खुश है, बीजेपी से खुश है। ये लोग बोलते हैं जी तो शाम का मेन रोड है वो सारा टूटा पड़ा है, वो लग रहा जी गांव टूटे पड़े। कितने साल में बने हैं? यूँ तो लेट सेट हो गए जी, पूरा हरियाणा है, कोई एक मिनट में कवर कुछ नहीं होना। अच्छा। पब्लिक जानती है अभी कोई काम धीरे धीरे होगा, एकदम तो देखो कुछ नहीं बनता। और भी हरियाणा में काफी रोड टूट रहे हैं, बनने लग रहे हैं, सब पे काम चल रहा है। अच्छा, सब में लेके शांति है? हाँ बिल्कुल शांति है जी, बिल्कुल। हाँ जी ताऊ जी, अब की बार गाँव में किसने जितवा के भेजोगे, बीजेपी ने कांग्रेस ने? बीजेपी ने जिता के भेजा, क्या बीजेपी ने जितावागा का बीजेपी ने जितवा देगा? और जितवा पिछली बार तो कांग्रेस जितवा दी उड़ते, तो कांग्रेस जितवा दी तो ऐसा काम कर रखे ही काम हो गया काम। सर बीजेपी अब की बार लोकसभा में तो आपने बीजेपी कांग्रेस जितवा दी, अब बीजेपी में भरने लग रहे हैं आमी कि भाई बीजेपी ने जितवा देंगे लो विधानसभा में? झूठी आम है जी, लोग विधानसभा में भी आ रहेंगे और लोकसभा में भी आ रहे हैं। अच्छा, धरातल पे कोई काम नहीं है, ये सारे बोले झूठी घोषणाएं। अच्छा हाँ, जो हमारे गाँव की मेन समस्या है, 10 गांवों की कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओपी जिंदल माइनर है, उसके ऊपर बिजली बिजली की लाइन आनी जी, वोटर लाइन दूसरी आनी, वो अभी तक नहीं आई है। हमने बार बार गंगवा से रिक्वेस्ट की है कि हमारे को जो है ना ये बिजली की लाइन दे दो जी, अभी तक वो बिजली की लाइन नहीं। नाराजगी है रणबीर, कुल छक के नाराजगी जी। और गम में वोट आए 300 अरीब कड़ा में 300 भी। अच्छा हाँ, लोकसभा में अरीब विधानसभा में देख ले आप, मतलब ये बीजेपी जिताओगे आप कांग्रेस ने? इनके आत्मा से नुका दो वोट गिराएंगे मैं मान जाऊंगा जी। हाँ इनको पूछ ले, इनको पानी को लोटा झूठ बोला जी बिल्कुल। देखो अपना 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 मत है, देखो उन्होंने बीजेपी है आप कांग्रेस, इनको वोट नहीं देंगे जी, सिर्फ वोट नहीं देंगे, सच्चा बोल रहे हैं झूठा बोल रहे हैं, सिर्फ हाजिर हुआ ये झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं जी, झूठ को बोलना जी हमें क्या मतलब है? यही हुक्म है भाई कांग्रेस जी, मत है आप आपका मत है, गाम गाम राम है, देखो अपना अपना मत है, संघ विचार के लोग हैं यहाँ पे, लालो लोक दल के भी हैं, जेजेपी के भी हैं, गाम राम है, देखो सब सब बात के लोग हैं, वो कोई बात कौन, लेकिन 90% 85% बीजेपी के साथ है। अच्छा हाँ जी, 300 वोट मिले इनको लोकसभा में, अब की बार विधानसभा में 300 भी नहीं मिलने, अब ये सारा काम बैठक से ना जुड़े भाई है, वाह कमाल करे देख, तो 274 वोट आई है इनको, अब जो ने विधानसभा में 274 भी नहीं आने, जिनका पत्थर रखे गए ना उनमें से एक बंदा दिखा दो मेरे को मेहमान। हाँ जी, अब की बार किसको जितवाओगे कांग्रेस? ये जितावा लग रही वही ठीक है, क्या आते बीजेपी जितावा आते कांग्रेस? दिन के साथ ही बीजेपी ने ये जिताओ, बीजेपी जिताओ। चलो जी, तो भाई ये जो तस्वीरें हैं आप भोजराज गांव से देख रहे हैं, दरअसल नरवा हरके का गांव है, लेकिन तब तक जुड़े रहिए सिटी विक न्यूज के साथ। नमस्कार।